महाराज जी ने भिंडी क्यों नहीं बनाई? खराब हो गई थी भाभी माँ, और तोरी भी खराब हो गई। पर क्यों, फ्रिज में नहीं रखी क्या? रखी थी, लेकिन मेरे ख्याल से आजकल फ्रिज ठीक से काम नहीं कर रहा। कल दूध में भी तो गंध आने लग गई थी। मैकेनिक को बुलाकर एक बार फ्रिज दिखाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं छोटी दुल्हन, पिछली बार जो फ्रिज बनाने वाला आया था उसने क्या कहा था याद है ना? अब हम नया फ्रिज ही खरीद लेंगे क्योंकि वे बहुत पुराना हो गया है। हाँ, मुन्ना से बात करते हैं। लो बेटा। राजबन्ना, अक्षरा खा लिया दादाजी ने? दवा भी ले ली और लेट भी गए हैं। ठीक है। मुन्ना जी, वो नर्स की पेमेंट हो गई? जी बाबूजी हो गई। माँ दुक्कू कहाँ है? यश से फोन पे बात कर रहा था, बड़ी देर तक खुसर पुसर होती रही, उसके बाद कमरे में भाग गया। लल्ला, अरे लाओ बैग दो। थैंक्स बाबा। यू वेलकम लक्ष्य। लेकिन ये सब क्या है? कैमिंग का सामान है पापा। लल्ला ले बेटा, हलवा बनाए। नहीं दादी, अभी नहीं, अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। हाँ बेटा, पर ये क्या है? कैंप साइट का मैप है मम्मा, यहाँ पे टेंट लगेगा, यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर लगेगा। पलाश ये सब होगा कहाँ? ये कौन सा कैंप है? कुछ है पापा, अभी आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ ना इसलिए। अरे गिरजा दीदी, सब लाई हो ना? हाँ हाँ लल्ला, जो जो बोला था ना वो सब ले आई। सब कुछ वहाँ साइड में रख दो गिरजा दीदी, और कुछ भी हटाना नहीं यहाँ से, पर मुझे सब चाहिए होगा ना? हेलो यश, सुन मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है, बहुत सारी चीजें भी इकट्ठी कर ली है। अरे ये तो सचमुच कोई शिविर लगा हो ऐसे लग रहा है। बहुत बिजी है आपका पोता, देखिए सामने मन पसंद मीठा रखा है, लेकिन खाने तक का समय नहीं है। हाँ माँ, खेल के टाइम ना बच्चों को और कुछ सूझता ही नहीं। हाँ तो किसी का नाम तो बचपन है। ओके बाय, सी यू टुमारो। अरे कोई मुझे हलवा तो दो, कब से काम कर रहा हूँ मैं, कितना थक गया हूँ। लो, और कब से आपके सामने भी रखा है। अच्छा ये तो बताओ कि प्लानिंग किस चीज की चल रही है इतनी? कल मैंने डे कैम रखा है। डे कैम? कौन कौन आ रहा है? अनन्या दीदी, यश और मैं, हम सब लोग मिलकर टेंट लगाएंगे, खेलेंगे, डांस करेंगे और पिकनिक मनाएंगे। लेकिन बाहर ये सब क्यों करोगे लल्ला? ये सब तो घर के अंदर भी किया जा सकता है। दादी हमें घर पे नहीं करना, हमें बाहर जाना है। बाहर तो गर्मी होगी ना। बेटा तुम लोग अंदर खेलो। दादी घर के अंदर भी कोई पिकनिक मनाता है? मैंने टीवी में देखा है कि धूप में विटामिन ए मिलता है। ए? नक्ष, विटामिन ए नहीं, विटामिन डी मिलता है। ए बी सी डी जो भी मिलता हो, मिलता है तो बाहर ही है ना। अरे आप अभी तक जाग रहे हैं? सात वचनों में से दूसरा वचन ही भूल गई आप। साथ में खूब सारा समय बिताएंगे। सॉरी नैतिक, आने में थोड़ी देर हो गई ना, वो महाराज जी सुबह दत्ता जी की मालिश करेंगे ना, तो तेल वगैरह और बाकी सब तैयारियां करके रख रही थी, और फिर उन्हें आखिरी दवाई भी देनी थी रात की, तो इसलिए खाना भी। नींद आ रही है आपको? नहीं, क्यों, आपको आ रही है? मेरी नींद तो कब की चुरा चुकी है। ऐसे क्या देख रहे हैं? अब रोज तो हमेशा आपको ऐसे ही मिल पाऊंगा ना, पहले की तरह ऑफिस के कैबिन में थोड़ा मिलेंगे आप। आई मिस यू इन द ऑफिस अक्षरा। ऑफिस में काम करते करते मैं और भी बहुत कुछ मिस कर रही थी। जैसे कि? जैसे कि माँ भामा के साथ काम करना, जुगू के साथ खेलना। आप इतना कुछ मिस कर रही थी तो पहले कुछ क्यों नहीं बताया? कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जब बिना मांगे इतना सब कुछ मिल गया।
और नानी ठीक है ना माँ? बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश भी है। कल रात को तो हम दोनों ने बैठ के खूब गप्पे मारे, जैसे हम मारते। हाँ बिल्कुल वैसे ही। चलिए अच्छा है ना माँ, यात्रा के बहाने आपको भी उनके साथ थोड़ा समय मिल गया। हाँ बेटा सो तो है। वैसे आगे के लिए कब निकल रहे हैं आप लोग वहाँ से? बस बेटा एक आध दिन में निकल जाएंगे। जानती है डॉक्टर जी कह रहे थे कि तीर्थ यात्रा के नाम से माँ की तबीयत जितनी जल्दी ठीक हुई है ना, उतनी किसी भी दवाई से नहीं हुई। वो तो होनी ही थी माँ, उन्हें तो ज्यादा खुशी इस बात से हो रही होगी क्योंकि आप जो उनके सामने हैं। बस अक्षरा तू प्रार्थना करना कि मैं माँ का अच्छे से ख्याल रख पाऊँ। माँ नानी का ही नहीं बल्कि अपना भी। मम्मा आप नानी से बात कर रही हो, मुझे भी बात करनी है। माँ डुग्गू भी आपसे बात करना चाहता है। हाँ बेटा। हेलो नानी, मैं आपसे गुस्सा हूँ, आप अकेली घूमने क्यों चली गई? मुझे भी आपके साथ जाना था। अरे सॉरी मेरा चीको। देख मैं बहुत जल्दी जल्दी में गई ना, इसीलिए तुझसे नहीं पूछ पाई, लेकिन जब वापस आऊंगी ना तो हम दोनों चलेंगे घूमने, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, पहले आप मुझे बताओ कि बड़ी नानी कैसी है, उनके दांत तो अच्छे है ना, वो खा तो रही है ना अच्छे से? मिलेगा बड़ी नानी से। कचौड़ियाँ अच्छी बन गई वर्षा? अच्छी बनी है काकी, आई होप सबको पसंद आ जाए। क्यों पसंद नहीं आएंगे, इतनी मेहनत से जो तूने बनाए। कहाँ काकी, अब माँ के जैसा तो फिर भी नहीं बना सकी ना मैं। तू चिंता मत कर वर्षा, हर किसी की अपनी खासियत होती है, जैसी दीदी की कचौड़ियाँ वैसे तुम्हारी भी तो वो पिज्जा है ना। मेरा और माँ का मुकाबला कहाँ, मैं तो बस कर लेती हूँ कभी कभी, और माँ को देखिए कितना सारा काम करती है, मुझे भी नहीं करने देती। अब जब वो नहीं है ना तब समझ आ रहा है सब। तो है वर्षा, दीदी का बस चले ना तो मुझे भी कुछ करने ना दे। तो ठीक है, जब तक माँ नहीं आती है ना तब तक हम ढेर सारा काम कर लेते हैं। देखो बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम तीनों एक दूसरे के योगदान का मान करती हो, और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तुम तीनों अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हो। मेरी तीनों बहुएं चुपचाप अपने अपने हिस्से का काम करती रहती हैं, तभी तो मेरे घर का संतुलन बना हुआ है, और ये संतुलन ना बिगड़े इसलिए मैंने एक बात सोची है कि तुम दोनों अपना अपना काम बांट लो और बाकी काम मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं आप, मैं और वर्षा है ना। हाँ दादी, हम पर भरोसा नहीं है क्या आपको? अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम दोनों की मदद करना चाहती हूँ, ताकि मदद करना चाहती है ना, तो ठीक है अब तक जैसे काम करती आई हैं वैसे ही काम कीजिए। हमारे लिए पूजा करना, हमें ढेर सारा प्यार करना, आशीर्वाद देना, हमारी हर बात पर हमें सलाह देना, क्या इससे बड़ी मदद कोई और हो सकती है काकी? जी तेरा बेटा। दादाजी चाय लाते हैं। चाय मारे को भी इच्छा हो रही थी चाय पीने की, वो भी थारे हाथ के अदरक वाली। अदरक तो नहीं है दादाजी चाय में। क्यों, मारे को तो हमेशा से यही चाय पीने की आदत है, ये खाली चाय पीना मारे को अच्छा ना लगेगा, ले जा अदरक वाली चाय दे। दादाजी लेकिन जो दवाइयां आप ले रहे हैं। हरे को भी लग गई ना जी बीमारी, पहले तेरी भाभी माँ, उसके बाद ये नर्स, अब तू भी, जो भी देखो मारे को भाषण देना आवे जैसे मारे को कुछ पता ही ना है, ना पीना मारे को जी चाय, जा ले जा जा। आप प्लीज मेरी बात सुनिए, देखिए अदरक आपको नुकसान पहुंचाएगी, वैसे भी आपको इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से आपकी दवाइयां काढ़े, फिर आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप। अच्छा ठीक है, एक बार बस आप ये चाय चख कर देखिए, इसमें ना मैंने वो स्पेशल चाय वाला मसाला मिलाया है, आपको जरूर अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी नहीं लगी ना तो फिर आप कल से मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना दूंगी। ना बहू ये अच्छी ना है। बहुत अच्छी है ना। लगता है चले गए, मुझे आने में देर हो गई। अरे
मुझे तो लगा था कि आप चले गए। कैसे जाता जब तक आप नहीं भेजते, और अगर आपसे मिले बगैर चले जाता तो दिन भर मेरा मन नहीं लगता। और अगर मैं नहीं आती तो? अरे ऐसे कैसे नहीं आती, आपको तो आना ही था, मैं जो इंतजार कर रहा था। सॉरी नैतिक, आज मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाई ना, आपकी घड़ी वॉलेट रुमाल कुछ भी नहीं। बार क्यों रहे? दीजिए, अब आप दे दीजिए। थैंक यू। राधे कृष्णा फूफा जी। राधे कृष्णा। मम्मी नक्शा है अंदर। अरे अनन्या, ऑल सेट फॉर द कैम? यस। और ये इतना बड़ा सांप के हाथ में क्या है? नक्शे कुछ और मंगवाया था? नहीं फूफा जी, ये सिर्फ आप और बुआ जी के लिए है, मैंने बताया था गंगोर पे, पर मैं देना भूल गई। खाओ तू। क्या है ये? कैसा है? बहुत अच्छा। Very nice. Thank you, Nani. Thank you. अब इसके लिए मेरी तरफ से आपको कैंप में मुफ्त आइसक्रीम की सप्लाई। ओके? अक्षय आप देख लीजिएगा। अनन्या दीदी। हाय अनन्या दीदी। हेलो चिकू। आप सब सामान लाई? हाँ, वो देखो। Yes, अब आएगा मजा। अच्छा बच्चा पार्टी, अब मैं चलता हूँ। You guys have fun. मजे करना, लेकिन कोई शरारत नहीं। Okay? Okay, पापा, bye. Bye, अक्षय। Bye. चलो बच्चों, अभी जल्दी से अंदर चलो, मैं आप सबको सबसे पहले फ्रूट जूस देती हूँ। ओके? नहीं मम्मा, आज हम अंदर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, सब यही करेंगे। हाँ हाँ भाभी, हम है ना इनके साथ। नहीं, हमें कोई नहीं चाहिए, ये किड्स पार्टी है। अच्छा बेटा ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ओके ओके मम्मा। एंजॉय। ओके। क्या कर रहा है? मैं बता दूं कैसे करते हैं। गिरिजा, यश, अनन्या, लला कुछ खा लो, चलो चलो। यश नहीं मत खा। ले लो। नहीं यश। गिरिजा दीदी, हमारे पास है कुछ खाने, आप जाइए। चलो लो जाओ। ये अनन्या दीदी, मुझे भूख लगी है। ठीक है। वाह, वेरी स्मार्ट। लेकिन बहू, इस सब से इनका पेट कहाँ भरेगा? थोड़ा तो कुछ खाना ही पड़ेगा ना। ऐसा करते हैं, इनके पसंद का ही कुछ बना देते। ठीक है माँ। गिरिजा तुम यही रहना, एक पल के लिए भी इन्हें अकेले छोड़कर मत जाना। जी भाभी। नजर रखना इन पे। Thank you.
हाँ मेल मैंने पढ़ लिया है, बस अभी थोड़ी देर में रिप्लाई करती हूँ। नहीं नहीं पहले आपको ही फॉरवर्ड करूंगी ना, उसके बाद जब अगर आपको ठीक लगे तो आप उनको भेज दीजिएगा। ओ बाय। कर क्या रहे हैं ये बच्चे? अभी लल्ला पानी का जग लेकर गया, उसके बाद बिस्किट वाला डब्बा, और रसोई से और भी कुछ कुछ लेकर गया बहू। अपनी चीजें खा खा कर बोर हो गए होंगे ना इसलिए। चलो खेल खेल के बहाने कम से कम घर का खाना तो खा रहे हैं। दुगू दुगू सुनो बेटा कुछ चाहिए? नहीं मामा कुछ नहीं, नहीं मामा। अरे दुगू अब क्या लेकर गया ये? देखते हैं। गिरजा उठ। गिरजा ये कौन है? ये बच्चे कहां से आ गए? गिरजा ये बच्चे? मैं अभी भगाती हूं। नहीं नहीं गिरजा रुक जा, वो लोग खा रहे। लेकिन बहू माँ रहने दीजिए, अब समझ में आया लल्ला वो सारी चीजें बाहर क्यों ला रहा था। ये बच्चे भी कभी कभी हमें कितना कुछ सिखा देते हैं। इनके मन में ना ही कोई भेदभाव होता है और ना ही कोई छल कपट। किसी को और कुछ चाहिए? नहीं थैंक यू दीदी। और चॉकलेट चाहिए? नहीं नहीं थैंक यू थैंक यू। मेरे पास भी कुछ है, आपको चाहिए? हाँ। नहीं लल्ला ये क्या है? कैमरा, इसमें फोटो दिखाऊं? हाँ हाँ। ये कौन है? ये मेरी फिश गोल्डी। तुम्हारे पास मछली है? कहाँ है हमें भी दिखाओ ना। वो घर के अंदर है, मैं उसे बाहर नहीं ला सकता, नहीं तो उसे कैट खा जाएगी ना। इसको आप डांस पार्टी कर रहे हैं? हाँ नन्या दीदी अब तो बहुत मजा आएगा, अब तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। हाँ चलो इसको बंद करके रख देते। दादाजी आपको पता है ये डांस हमारे न्यू फ्रेंड्स ने हमको सिखाया है। आज तो आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। बहुत मामा जी, अगर आप होते तो आपको भी बहुत मजा आता। लेकिन हम लोग कैसे होते? आप लोगों ने तो हमें मना ही कर दिया, अलाउ ही नहीं किया। लेकिन ऐसे अगली बार नहीं चलेगा, हम लोग पिकनिक में ना आपके साथ जाएंगे। क्यों बाबू जी? हाँ बिल्कुल। अरे भाई जिसके बारे में महज सुनकर इतना आनंद हो रहा हो, वहाँ शामिल होकर कितना मजा आएगा। मामा जी आपको पता है मैक्स ने भेल बनाई थी और उसमें बहुत सारा पानी डाल दिया था। और वो आइसक्रीम? नहीं नहीं खाए। अरे ऐसे कैसे नहीं खाए? अक्षरा आपने आइसक्रीम नहीं दी? नैतिक मैंने इनके लिए स्पेशल आइसक्रीम बनाई लेकिन वो जमी नहीं। अब मैं अभी बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। पापा मम्मा जब तक आइसक्रीम मंगा रही है तब तक आप हमारे साथ डांस करो ना प्लीज। नहीं नहीं बेटा मुझे डांस नहीं आता है, मैं नहीं कर सकता। हाँ मुन्ना नाच के दिखाओ ना बच्चों को। अरे क्या भाभी माँ आप भी बच्चों के साथ मिल गई हैं, मैं नहीं कर सकता। नहीं तो फिर से पिकनिक में तुझे नहीं बुलाएंगे बच्चे। हाँ बच्चों हाँ हम लोग नहीं बुलाएंगे। अच्छा 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 चलो मैं भी साथ में नाचता हूँ। चलो डांस करो। गोल्डी
ध्यान दीदी, गोल्डी कभी भी ऐसे नहीं सोती, वो स्विम करते करते सोती है। तो आज ऐसे क्यों सो रही है? तो गोल्डी ऐसे तुम क्यों सोई हो? गोल्डी तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? हाँ गोल्डी तुम्हारी तबीयत खराब है। गोल्डी गोल्डी उठो ना गोल्डी। गोल्डी लक्ष्य, गोल्डी अब नहीं उठेगी। गोल्डी गोल्डी मर चुकी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।